हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई हो आप सब मजे में होंगे, मैं भी मजे में हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पशु के जो जो गिचड़िया होती है ना उनके बारे में। वो अधिकतर छोटे पशु पर होती है, पर हमारे यहाँ हमारी पशु है बड़ी गाय, उस पर हो गई है। उसके बारे में आज मैं आपको घरेलू एक दवा बताऊंगा। वो दवा लगा कर आप अपने घर पे ही अपने पशु का इलाज कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। और ये जो हम मीडियम बता रहे हैं, हमारा वाड़ा है और यहाँ पे हम पशु रखते हैं। और पशु हमारे जो गाय को हो गई थी तो अभी गाय ठीक है, दवा लगाने के बाद तो ठीक है, पर वो वापस से थोड़ी थोड़ी हो रही है। पर एक ही बार दवा लगे, 2 से 3 बार लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी। इसके लिए आज हम आपको पशु के पास लेकर चलते हैं। अभी हमारी गाय है, ये पशु के पास हम आ चुके हैं। और ये पशु हमारी गाय टेढ़ी है, गाय है टेढ़ी है। और ये हमारी पारो मतलब पाड़ी है, इसका नाम है, छोटी सी पाड़ी का नाम पारो और भैंस का नाम है पाइटे और गाय का नाम है गोरी और केड़ी का नाम है लक्ष्मी। और हम आपको अभी इनके दवा के बारे में बताएंगे। उसके पहले से आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। और सिंगा डेयरी फार्म इंस्टाग्राम पर भी हमारा अकाउंट है, उसको भी फॉलो करें। ये गाय के पास ले जा रहे हैं गोरी के पास। और देखिए ये ऐसी गिचड़िया छोटी छोटी बारीक बारीक रहती है, अधिकतर जानवरों में पाई जाती है। तो इनसे बचने के लिए हमने दवा बनाई। तो दवा में आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपको अपनी तम्बाकू आती है ना खाने वाली तम्बाकू, पटेल कुछ भी तम्बाकू, वो तम्बाकू मिला देनी है। और तम्बाकू को उबालना है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर उबालना है और फिर लगा देना है। तम्बाकू को उबालना है आपको 1 से 2 घंटे। उसके बाद वो जो पानी आता है ना उसको अलग छानना है, फिर उसमें नीम रखना है और नीम रखने के बाद वापस से उसे उबालना है और उसके पानी को किसी दवा बाटल वाटल में भर के छिड़क देना है। गाय को जहाँ पर भी जू जिचड़िया हो वहाँ पर है ना छिड़क देना है। आप कपड़े चाहो तो कपड़े से, या फिर आपके पास स्प्रे हो तो स्प्रे से। क्योंकि अभी हमारा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जिसके लिए अभी हम ये वीडियो ज़्यादा देर तक बना सकते, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ये गोबर है इसको भी साफ करना है और वहाँ के अंदर वो घाण है, वहाँ पे चारा रखना है वहाँ पे घाण में, और इसलिए हमें चारा डालना है अभी, तो जिसके लिए ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बना सकते। फिर से अगले वीडियो मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सिंगा डेयरी फार्म चैनल है अकाउंट करके नाम है हमारा इंस्टाग्राम पर, उसे फॉलो करें।